नमस्कार स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम स्वराज सेहत में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूँ रश गौरी। जीवन अनमोल है और ऐसे में से स्वस्थ रखना बेहद लाजमी हो जाता है, लेकिन कई बार गलत आदतें खराब खान पान हमारी सेहत को बिगाड़ देता है। कभी कभी तबीयत इस कदर नासाज हो जाती है कि अस्पताल तक जाने की नौबत आ जाती है, और ऐसे में आपको अगर अस्पताल जाने से बचना है तो जरूरी है कि आप बीमारियों को लेकर जागरूक रहें। क्या करें क्या ना करें इसकी सही जानकारी आपको होना बेहद जरूरी है। तो वही जब कोरोना काल चल रहा है तो ऐसे में तमाम बीमारियों को लेकर और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत हो जाती है। स्वराज सेहत में आज हम नवजात की ओरल हेल्थ और बीमारियों के बारे में विस्तार के साथ चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्वराज सेहत में आज का सफर। तो स्वराज सेहत में आज हमारे साथ मौजूद हैं भाभा कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस के ओरल एंड मैक्सी फेशियल पैथोलॉजी की असिस्टेंट प्रोफेसर गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर शुभांगी दुर्गा कुमार मिश्रा जी। डॉक्टर शुभांगी बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम स्वराज सेहत में। डॉक्टर शुभांगी, जिस तरह से हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि आप शिशु की ओरल हेल्थ और बीमारियों से जुड़ी हुई जानकारियां देंगे और हमारे जो तमाम दर्शक हैं वो सीधे फोन करके डॉक्टर शुभांगी दुर्गा कुमार मिश्रा जी से सवाल कर सकते हैं। इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश होते हुए देख रहे हैं उन नंबर को मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, 07554029005 और 07554029006 पर आप फोन करके सीधे डॉक्टर से अपने सवाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपके सवालातों का सिलसिला। और डॉक्टर शुभांगी, सबसे पहला तो मेरा सवाल ये है कि किस तरह से नवजात के ओरल हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, अमूमन हमने देखा है नॉर्मली कि लोग उतना ख्याल नहीं रखते हैं जितना रखना चाहिए। जी बिल्कुल, थैंक यू मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए, और बहुत ही अच्छा टॉपिक आज हमने लिया है, खासकर इस कोरोना काल में जहाँ पे बहुत से फिजिशियंस गायनेकोलॉजिस्ट के ओपीडीज के टाइमिंग की अपॉइंटमेंट बहुत हैम्पर हो चुकी हैं, हेल्थ केयर रिसोर्सेज और टीम सब कोविड 19 पेशेंट्स के मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट में लग गई है। इस समय जो आम तौर पे होने वाली बीमारियां हैं बच्चों में बुजुर्गों में, इनके तरफ थोड़ा सा ध्यान कम हो गया है। ऐसी स्थिति में पेरेंट्स बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे हैं, बच्चों नवजात शिशु में अगर कुछ भी वो देख लेते हैं उनकी हेल्थ में उनके मुंह के अंदर, वो या तो बहुत पैनिक हो जाते हैं या ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। ऐसी स्थिति में आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से हम कुछ एजुकेशनल या पेरेंट्स को एक अवेयर करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपने कहा कि नवजात शिशुओं में सबसे ज्यादा ये जो बीमारियां होती हैं ये ऐसी बीमारियां होती हैं जो गर्भावस्था के दौरान ही हो जाती हैं। तो ऐसे में शिशु के ओरल हेल्थ का ध्यान रखना ये ठीक प्रेगनेंसी के टाइम से ही स्टार्ट हो जाना चाहिए। किस तरह से रखना चाहिए ध्यान? क्योंकि नवजात शिशु के मुख में होने वाले रोग ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स से नहीं होते हैं, जैसे हम लोगों में एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होगा, नवजात शिशु बस जन्मा नया जन्मा बच्चा होगा उसमें ये फैक्टर्स एक्ट करने का समय नहीं होता है। जो भी इनमें बीमारियां होती हैं वो ठीक गर्भावस्था के समय या डिलीवरी के समय होने वाले इवेंट्स की वजह से होता है। तो सबसे पहले तो जैसे कि दादी नानी के समय से चला आ रहा है जो कहते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे लेने वाले प्रिकॉशन के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रेग्नेंट महिलाओं ने अपना ध्यान रखना चाहिए, खान पान आहार पूर्ण आहार लेना चाहिए, विटामिन डेफिशिएंसी फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी अगर है तो उसके सही सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। इसके अलावा प्रेगनेंसी एक गिफ्ट है एक महिला के लिए, तो ऐसे समय में किसी भी प्रकार के स्मोकिंग या अल्कोहल कंजम्पशन जैसी चीजें नहीं करना चाहिए। इसके अलावा वे अगर ड्रग्स पे हैं किसी जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के ड्रग्स होते हैं मीथोट्रेक्सेट या एक्ने पिंपल्स के ड्रग होते हैं आइसोट्रेटिनोइन, ये अगर ड्रग्स उनके चल रहे हैं तो प्रेगनेंसी की खबर मिलते ही इन्होंने इन ड्रग्स को किस तरह लेना है ये अपने डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। इसके अलावा उन्हें किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, खुश रहना है। खुश रहना ये सिर्फ एक मिथ्या नहीं है, खुश रहने से अगर माँ के अंदर के केमिकल्स और हॉर्मोन्स अच्छे हैं तो उनका सीधा असर
बच्चे पे पड़ता है, उसी बच्चे के न्यूट्रिशन पे, बच्चे के डेवलपमेंट पे असर पड़ता है। साथ ही अगर हम डॉक्टर शुभांगी अगर बात करें तो शिशु को मुंह से जुड़ी हुई ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जो हो सकती हैं और प्रेगनेंसी टाइम में इनको बहुत बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इनका ख्याल रखना चाहिए कि पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये बीमारियां बच्चे को हो सकती हैं। बिल्कुल, पहले तो मैं ये बता दूं कि नवजात शिशु ये ऐसा शिशु होता है जो बिल्कुल जन्म से लेकर 4 हफ्ते तक का जो पीरियड होता है उसे हम नवजात कहते हैं। ऐसे में पेरेंट्स बहुत ज्यादा या तो सतर्क होके पैनिक हो जाते हैं या कुछ पेरेंट्स क्योंकि अवेयरनेस नहीं होती है तो अनदेखा कर जाते हैं कुछ चीजों को। दोनों ही बातें ना हो इसलिए मैं सबसे पहले ये बता दूं कि नवजात के मुख के अंदर होने वाली जो बीमारियां होती हैं वो ज्यादातर बीमारियां भले ही दिखने में खतरनाक हों लेकिन खतरनाक होती नहीं है और जो भी खतरनाक बीमारियां होती हैं उनका इंसिडेंस बहुत रेयर है। तो जो आपने पूछा कि कॉमन, सबसे कॉमन बीमारी क्या है तो वो है क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, जिसे हम हिंदी में फाक होंठ या फाक तालू कह सकते हैं या विभाजित होंठ या विभाजित तालू कह सकते हैं। फाक होंठ में ऊपरी होंठ जो होता है उसका विभाजन दिखता है, कभी कभी ये बहुत कम रहेगा जिसकी वजह से सिर्फ एक कटाव दिखेगा ऊपर के ऊंट पे, या कभी कभी इतना ज्यादा रहेगा कि मुंह से लेके नाक तक ऊपर का ऊंट पूरी तरह विभाजित होगा। उसी तरह जो फाक तालू होता है इसमें भी दरार होती है, क्लेफ्ट मतलब एक दरार, तो ये दरार होती है कभी कभी बहुत कम होगी, शायद दिखे भी नहीं, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से मुंह से लेके मुंह और नाक की जो कैविटीज हैं वो जुड़ी रहती हैं, पूरा विभाजन होता है पैलेट का। ऐसे में खूबसूरती और इन सब के अलावा सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो है फीडिंग की। बच्चा ठीक से स्तनपान नहीं कर पाता और अगर कर भी लेता है तो पिया हुआ दूध या वाटर जो भी है वो नाक के थ्रू बाहर आ जाता है और स्टडीज के हिसाब से इसका इंसिडेंस भारतवर्ष में करीब 700 से 800 जन्मे बच्चों में से एक में पाया जाता है। इसका मतलब ये बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है इंडिया में। साथ ही अगर हम बात करें कि शिशु को मुंह से जुड़ी हुई कौन सी बीमारियों का सबसे ज्यादा खतरा होता है और आप क्योंकि बता भी रही हैं तो इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है फिर? इसका ट्रीटमेंट क्लेफ्ट लिप और पैलेट का जो ट्रीटमेंट होता है वो 2 महीने, 3 महीने, 10 महीने ऐसे अलग अलग इंटरवल्स पे किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि बच्चे की स्थिति क्या है, हेल्थ की स्थिति क्या है, बच्चा कितना टॉलरेट कर सकता है और उसमें वो क्लेफ्ट कितना गंभीर है। अगर फीडिंग डिफिकल्टीज को अवॉइड करना है तो बच्चे को तुरंत ही पैदा होते ही या कुछ समय में डॉक्टर्स उसे एक ऐसी प्लेट दे देंगे मुंह में रखने के लिए कि माँ उसे मुंह में रखेगी और फिर उसके बाद उसे फीडिंग करेगी जिसकी वजह से सक्शन भी क्रिएट होगा और बच्चा जो भी पिएगा वो नाक के थ्रू बाहर नहीं आएगा। अन्यथा इसका इलाज दवाइयों से नहीं हो पाता है, इसका इलाज केवल सर्जिकल ही होता है। जी डॉक्टर शुभांगी, शिशु को मुंह से जुड़ी हुई बीमारियां आखिर होती क्यों है? जी बिल्कुल, जैसा मैंने पहले बताया शिशु नया जन्मा बच्चा है तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स तो कभी एक्ट करके उसमें बीमारी नहीं होगी, तो प्रेगनेंसी के दौरान जो इवेंट्स होते हैं उसकी वजह से बीमारियां हो सकती हैं। जैसे मैंने बताया क्लेफ्ट लिप और पैलेट, इसका कारण ये है कि जब गर्भ में बच्चा होता है तो खोपड़ी, चेहरा और मुंह के जो हिस्से हैं वो धीरे धीरे ग्रो होके बीच में जुड़ जाते हैं। अगर ये नहीं जुड़ा तो वो दरार दिखती है, वो क्लेफ्ट दिखता है। उसी तरह कुछ बीमारियां होती हैं जो मुंह के अंदर, मैं बीमारी बताते जा रही हूं रोकना चाहूंगी क्योंकि मैंने देखा है, क्योंकि जिस तरह से आप बता रही हैं कि जोड़ना शुरू होता है और वो नहीं जोड़ पाता है तो इस तरह की बीमारी बच्चों को हो जाती है, तो इनको बोलने में भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे जैसे ये बड़े होते हैं इनमें बोलने में दिक्कत, सुनने में दिक्कत और फिर सोशल प्रेशर की वजह से वो अपने एस्थेटिक्स भी उनका कॉम्प्रोमाइज हो जाता है जिस वजह से वो एक नॉर्मल बच्चे जैसे नहीं जी पाते हैं। तो डेफिनेटली इसकी तो सर्जरी करना ही करना है क्योंकि एक लाइफ लॉन्ग इस तरह के का क्लेफ्ट लेके कोई भी बच्चा समाज में अपनी एक पहचान नहीं बना पाता है।
और साथ ही क्योंकि अमूमन आप बता रही हैं कि सर्जरी करना ही एकमात्र इसका उपाय है, तो कितनी सेफ ये सर्जरी होती है, किस तरह की दिक्कतों का सामना इस सर्जरी में करना पड़ता है और कितने प्रिकॉशंस हैं जिन बच्चों की इस तरह की सर्जरी होती है उनको रखना चाहिए? क्योंकि अमूमन हमारे जो दर्शक देख रहे हैं जिनमें से ज्यादातर जो ग्रामीण अंचलों में रहने वाले जो लोग हैं उनको पता ही नहीं होता है। जी, इसके लिए सबसे पहले तो रोल आता है जो गायनेकोलॉजिस्ट है, जो बच्चा डिलीवर करवाती है सबसे पहले वो ही डायग्नोस कर लेती है। पर कभी कभी बहुत कम, बिल्कुल एक दो दिन की एज वाले बच्चों में ये शायद ना दिख पाए, थोड़ा सा एक दो दिन बाद, तीन दिन बाद दिखेगा। अगर बच्चा घर चला गया, डिस्चार्ज हो गया, उसके बाद अगर दिख रहा है तो तुरंत पहले तो डॉक्टर के पास जाना होता है। उसके बाद डॉक्टर असेसमेंट कर सकते हैं कि ये कितना गंभीर है और इसे कितने जल्द सर्जिकली ऑपरेट करना है। इसमें सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना बहुत कम होती है। ये एक पूरी टीम होती है डॉक्टर्स की, जिसमें ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन होते हैं, कॉस्मेटिक सर्जन्स होते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं और कई अन्य डॉक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि डॉक्टर शुभांगी, एक बार और फिर मैं आपको रोकना चाहूंगी, दिल्ली से हमारे एक कॉलर है राहुल, फोन लाइन पर जुड़ गए। राहुल जी, बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए डॉक्टर शुभांगी से। आप डॉक्टर सुभांगी से मेरा सवाल है कि मेरा 2 साल का बेबी है, उसको बहुत ज्यादा छाले होते हैं, छाले की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो क्यों, मतलब क्या रीजन हो सकता है, ये पूछना चाह रहा हूँ। जी, पहली बात तो आप अगर मुझे ये बता दें कि उसकी एज क्या है तो बेहतर होगा। 2 साल है। 2 साल है जी, जी। तो लगभग मतलब अभी उसके मुंह में दांत आने की प्रक्रिया शुरू हो गई होगी। अब ये जो छाले हैं, आमतौर पे जनता फूटी हुई फुंसी या फूटी हुई सिस्ट को भी छाला ही समझती है। तो ऐसे केसेस में उसका अगर क्लिनिकल पिक्चर हम लोगों के पास होगा तो बेहतर तरीके से हम बता पाएंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको कुछ संभावना बता सकती हूँ कि वो क्या हो सकते हैं। पहले तो जिंजाइवल सिस्ट नाम की एक चीज होती है, मतलब समझ लीजिए एक सिस्ट होती है जो फुंसी होती है जिसमें पानी भरा होता है। जब ये फुंसी फूट जाती है तो वो छाले की तरह दिखता है। अथवा अगर उसके मुंह में दांत हैं, और अब खैर 2 साल का है तो दांत आ ही चुके होंगे, अगर उसके दांत किसी प्रकार से गलत तरीके से आ गए हैं मुंह में, तो उस वजह से भी बार बार चोट की वजह से वो छाला हो सकता है। इसके अलावा एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं ऑटो इम्यून पेम्फिगस वल्गारिस, जो एक स्किन डिसीज होती है जो बहुत ज्यादा खतरनाक इस एज में नहीं होती है। ये जनरली माँ के थ्रू जो एंटीबॉडीज बच्चे में आ गई हैं उसकी वजह से वो चीज दिखने लगती है, ये धीरे धीरे रिजॉल्व होने लगती है। और इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो शायद बच्चे में किसी प्रकार की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है जिसकी वजह से उसे बार बार छाले आते हैं। तो परामर्श तो यही है कि अगर इसे बहुत ज्यादा छाले आ रहे हैं तो आप अपने लोकल फिजिशियन को से एक बार मिलिए या डेंटिस्ट से मिलिए, वो एक बार उसका एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे तो उसका कारण समझ में आ जाएगा। बच्चों में होने वाले छाले आमतौर पे कभी भी खतरनाक नहीं होते, बहुत आसानी से ट्रीट हो जाते हैं। डॉक्टर शुभांगी, न्यूट्रिशियस डेफिशिएंसी का जिक्र आपने किया है, किस तरह की ये डेफिशिएंसी हो सकती है? क्योंकि ज्यादातर होता है कि सब अल्टरनेट चीजों के ऊपर डिपेंड करने लगते हैं कि कोई ना कोई सप्लीमेंट दे देते हैं, उसके जरिए इन चीजों को ठीक किया जा सकता है। कई बार पता ही नहीं रहता है लोगों को कि विटामिन ए, विटामिन बी, डी की डेफिशिएंसी से किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। जी, इसके लिए थोड़ा सा ज्ञान होना जरूरी है कि कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है। ज्यादातर छालों की जो तकलीफ होती है वो विटामिन B6, विटामिन B12 इनके डेफिशिएंसी से होता है। अब बच्चे में ये डेफिशिएंसी है कि नहीं, उसके लिए एक ब्लड टेस्ट, एक ब्लड इन्वेस्टिगेशन लगता है, और या फिर डॉक्टर्स उनके क्लिनिकल साइंस से भी समझ जाते हैं। तो इसके लिए डॉक्टर्स से एक बार एग्जामिनेशन करवाना जरूरी होता है और उसके बाद उनके सप्लीमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। जनरली बच्चों में ये डेफिशिएंसी होती नहीं है अगर माँ का खान पान अच्छा रहा हो प्रेगनेंसी के टाइम पे। जी, तो मतलब लगातार जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते आते हैं कि जब बच्चा गर्भ में आता है तो माँ को अपने खाने पीने का ध्यान बहुत बेहतर तरीके से रखना होगा। बिल्कुल। सुभाष राजपूत हमारे साथ कॉलर हैं, फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ गए। सुभाष जी, बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए अपना। कुछ ऐसा जैसे मतलब सर्दी हो ना हो, बरसात हो, कोई मौसम हो, जुकाम
और खांसी उसको जल्दी हो जाती है। उसकी एज क्या है? 2.5 साल का बच्चा है। देखिए 2.5 साल का बच्चा है, उसकी इम्यूनिटी अभी डेवलप हो रही है। कुछ बच्चों में इम्यूनिटी बहुत फास्ट डेवलप हो जाती है। हम एडल्ट्स में भी जिस तरीके की चीजें होती है वैसे ही बच्चों में होती है, लेकिन बच्चों की इम्यूनिटी काफी इमेच्योर स्टेज में होती है, जिसकी वजह से जल्दी उसको एलर्जिक रिएक्शन, कोल्ड, फ्लू, वायरल इन्फेक्शन होने लगते हैं। इसके लिए आपको ध्यान देना चाहिए कि उसको किस वजह से और कब सर्दी जुकाम हो रहा है। जैसे कि अगर बारिश में उसे सर्दी जुकाम हो रहा है तो क्लियरली उसका एक बारिश से रिलेशन है, ठंडी हवाओं से या एलर्जी से रिलेशन है। अगर उसे बहुत ज्यादा ठंड में उसे सर्दी जुकाम हो रहा है तो हो सकता है उसे ठंड में जो एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं उसकी वजह से सर्दी जुकाम हो रहा है। तो पेरेंट्स एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वो पूरा टाइम अपने बच्चों के साथ रहते हैं। आप जब भी उसे सर्दी जुकाम होता है, मेंटेन कीजिए कि उस समय सीजन क्या था, उस समय उसने क्या खाया पिया था, उस समय आप किस एनवायरमेंट में रहे थे, कहीं घूमने गए थे या घर के अंदर ही रहते हुए उसे ऐसा हो रहा है। ये भी ऑब्जर्व कीजिए कि परिवार में क्या किसी को ऐसे सर्दी जुकाम के लक्षण हो रहे हैं जिसके बाद इसे ये लक्षण आ रहे हैं। और एक बार आप ये चीज ट्रैक कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि किस वजह से होता है। अपने आप उन चीजों से उसे दूर रखना है। कुछ सालों में, 5 साल बाद 7 साल बाद खुद बच्चे की इम्यूनिटी बहुत अच्छे से डेवलप हो जाती है। स्कूल में जाने लगता है उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छे से डेवलप हो जाती है, उसके बाद उससे ये सारी कंप्लेंट्स धीरे धीरे कम हो जाती है। तो चिंता करने की विषय नहीं है। डेफिनेटली इस कोविड के समय में सभी को डर लगता है, पर बच्चों का अगर एक्सपोजर किसी भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट के साथ नहीं हुआ है तो बच्चों में इसके होने की संभावना बहुत कम होती है। तो जाहिर सी बात है सुभाष जी, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया है। हमारे साथ एक और कॉलर है, भोपाल से इस वक्त जुड़ गए हैं। रोहित जी, बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए। मैडम, मैं ये पूछना चाह रहा था, मेरी छोटी सी बहन है 6 महीने की, तो उसके मुंह से लगातार लार गिरती रहती है। मतलब कभी भी, मतलब देखेंगे सोते टाइम या जगते टाइम लार हमेशा ज्यादा गिरती है। जी देखिए, लार गिरना ये तो नेचुरल है बच्चों में, ठीक है। अब ये ज्यादा गिरती है, कम गिरती है, ये आप एक बार डॉक्टर को दिखाएंगे तो डॉक्टर बेहतर समझ पाएगा। क्योंकि हम जो नवजात शिशु को देखते हैं, हमें उसकी हर चीज थोड़ी सी अलग लगती है, क्योंकि एडल्ट्स में ये सारी चीजें होती नहीं है। अगर लार ज्यादा भी गिर रही है तो वो नेचुरल है, उसमें किसी भी प्रकार की चिंता का विषय नहीं है। हाँ, लार कम गिरे, मुंह सूखा रहे तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा चिंता का मामला हो सकता है। लार ज्यादा गिरने से कोई बात नहीं, अभी 6 महीने की ही है, अभी उसके मुंह में दांत भी निकलने वाले होंगे। जब दांत निकलते हैं बच्चे को थोड़ी सी तकलीफ होती है, जहां पे दांत निकलने वाले होते हैं, तो उस तकलीफ को कम रखने के लिए बॉडी का ये खुद का एक रिस्पॉन्स होता है कि मुंह को ज्यादा गीला रखे, जिस वजह से थूक और लार ज्यादा बनते हैं मुंह के अंदर। ऐसे में बच्चे को पेन कम होता है जब दांत निकल रहे होते हैं। तो बिल्कुल चिंता करने का विषय नहीं है, 1.5-2 साल तक तो ये चीज नॉर्मल है। तो रोहित जी, चिंता वाली कोई बात नहीं है, इत्मीनान रखिए, ख्याल रखिए, और ज्यादा अगर दिक्कत हो रही है तो आप अपने लोकल डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर कीजिए। डॉक्टर शुभांगी, कोरोना काल में शिशु की जो ओरल हेल्थ है उस पर किस तरह का असर हो सकता है, और अगर असर हो रहा है तो हम कैसे सतर्कता बरतें? ये सबसे ज्यादा रेलिवेंट क्वेश्चन है अभी इस पीरियड में। इसमें जब हम लोगों ने पढ़ा है तो हमने ये पाया है कि कुछ देश, भारत को मिला के, इनका एक अलग कंसेप्ट है और WHO और CDC की गाइडलाइंस कुछ अलग कहती हैं। भारतवर्ष में और भारत जैसे कुछ देशों में मानना ये है कि अगर माँ कोविड पॉजिटिव है तो उसका जन्मा बच्चा तुरंत ही आइसोलेट कर देते हैं, माँ और बच्चे को आइसोलेट कर देते हैं। लेकिन जब माँ को कोविड इन्फेक्शन हो जाता है तो प्री टर्म डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, बच्चा समय से पहले ही डिलीवर हो जाता है। ऐसे में बच्चे की इम्यूनिटी काफी इमेच्योर रहती है, बच्चा बहुत वीक रहता है। तो एक कंसेप्ट है जिसे कहते हैं कंगारू मदर केयर। जिस तरह कंगारू अपने बच्चे को हमेशा पास रखता है, उसी तरह कहा जाता है कि अगर प्री टर्म बेबी है तो इसका सबसे बड़ा इलाज ये है कि माँ अपने बच्चे को बिल्कुल अपने पास रखे और उसको स्तनपान कराए। ऐसे में प्री टर्म बेबीज का सर्वाइवल बेटर हो जाता है।
लेकिन क्योंकि कोविड का खतरा है और लोग डरते हैं, और जाहिर सी बात है डरना भी चाहिए, तो ये देश हमारे देशों में बच्चे और माँ को आइसोलेट करने का एक चलन है। वहीं WHO ये कहता है कि ये करना जरूरी नहीं है अगर माँ प्रिकॉशंस लेके बच्चे को अपने पास रखे। प्रिकॉशंस में मास्क पहने, फेस शील्ड लगाए, अपनी ओरल हाइजीन, अपनी ओवरऑल हाइजीन मेंटेन करे, हाथ साबुन से धो के सैनिटाइज करके बच्चे को गोद में ले, बच्चे को स्तनपान कराए। ऐसे में बच्चे के सर्वाइवल के चांसेस बेटर हो जाते हैं और बच्चे में कोविड 19 इन्फेक्शन होने का भी खतरा नहीं रहता, क्योंकि वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। जब तक माँ की सांस उसके बच्चे के सांस से नहीं मिलेगी तब तक उसे कोई खतरा नहीं है। तो इस तरह उन्होंने WHO ने ये सजेस्ट किया। इसके अलावा ये भी सजेस्ट किया जाता है कि अगर माँ में कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आ भी गई है, लेकिन अगर सिम्टम्स पहला सिम्टम आके 10 दिन हो गए हैं, या फिर अगर पिछला बुखार का जो एपिसोड था वो 24 घंटे पहले आया था, उसके बाद कोई भी बुखार के लिए कोई दवाई नहीं ली गई है, तो एक सेफ पीरियड है, माँ अपने बच्चे के साथ रह सकती है, लेकिन सारे प्रिकॉशंस लेते हुए। इसके अलावा जैसा आपने पूछा बच्चे के मुंह में कोई रोग दिख सकता है क्या, तो नहीं, बच्चे के मुंह में रोग तो नहीं दिख सकता, लेकिन बच्चे के ओवरऑल हेल्थ पे असर हो सकता है अगर उसे भी कोविड का इन्फेक्शन हो जाए तो। जैसे उसे बहुत ज्यादा फीवर रहेगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, और शायद फीडिंग में भी उसे वो फीड ना कर पाए, बार बार जो भी खा रहा है वो निकाल दे, या डायरिया जैसे सिम्टम्स दिख सकते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स तो वही सिम्टम्स हैं जो एडल्ट्स में भी दिखते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि हम देखते हैं कि नवजात शिशु में निमोनिया का भी खतरा ज्यादा बढ़ जाता है, और मीनवाइल अगर कोविड 19 पॉजिटिव अगर बच्चा हो जाता है तो फिर जो बच्चा है वो किस तरह से सर्वाइव करता है। फिर बच्चा पहले जो स्टडीज देखी गई हैं उसमें तो पहली बात ये देखा गया है कि नवजात शिशु में कोविड 19 का खतरा है ही बहुत कम, और जिनमें हो भी गया है वो बहुत ज्यादा जानलेवा नहीं हुआ है। इसके पीछे कारण क्या है ये स्टडीज अभी भी नहीं बता पाई हैं, लेकिन नवजात शिशुओं में जो भी कोविड 19 इन्फेक्शन हो रहा है वो एक माइल्ड सिम्टम्स के साथ निकल जाता है। जी साथ ही क्योंकि अब हम कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी पड़ाव में हैं, तो मैं चाहूंगी कि जो नवजात जिनके शिशु हैं और जिन घरों में अभी मतलब डिलीवरी हुई है, तो उनके लिए आप क्या कुछ मतलब टिप्स देना चाहेंगी कि कैसे हेल्दी रहा जाए, कैसे बच्चों को इस कोरोना पीरियड में बचाया जाए, और किस तरह से जो ओरल जो बीमारियां हैं उससे उनको किस तरह से बचाया जाए, किस तरह का फूड होना चाहिए। हम चाहेंगे कि आप चलते चलते हमारे दर्शकों को एक सलाह जरूर दें। बिल्कुल, पहली बात तो नवजात शिशु के अगर मुख का स्वास्थ्य और चेहरे का स्वास्थ्य अगर कंसीडर करना है तो प्रिकॉशंस प्रेगनेंसी के टाइम से ही शुरू कर देनी है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या प्रिकॉशंस लेनी है। इसके अलावा जब बेबी का डिलीवरी हो रही है उस समय प्रिकॉशंस इस तरह से लेना है कि सभी जो केयर गिवर्स हैं आसपास, चाहे वो माँ हो, चाहे वो पिता हो, या घर का कोई अन्य सदस्य हो, उनके पास एक कोविड की रिपोर्ट एक होना अच्छा रहेगा कि वो कहीं पे भी कोविड पॉजिटिव नहीं है। क्योंकि अगर कोविड पॉजिटिव है तो सिवाय माँ के कोई और उसके उस बच्चे के पास ना जाए। इसके अलावा लोगों का एक बहुत कॉमन क्वेश्चन ये रहता है कि क्या नवजात शिशु ने मास्क लगाना चाहिए। तो WHO के हिसाब से जब तक बच्चा 2 साल का नहीं हो जाता है तब तक उसे मास्क नहीं लगाना है। नवजात शिशु मास्क ना लगाए, लेकिन नवजात शिशु के आसपास जितने भी लोग हैं वो बिल्कुल कड़ी तौर से मास्क लगा के रखें। इसके अलावा बच्चे को स्तनपान से वंचित ना रखें। आजकल मॉडर्न सोसाइटीज में या कभी माँ की हेल्थ स्थितियों की वजह से कई बार ये होता है कि बच्चा स्तनपान से रहित रह जाता है, ये बिल्कुल नहीं करना है। जो पहला स्तनपान होता है वो बच्चे के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और बच्चे के 2 साल तक ये स्तनपान कंटिन्यू रखना चाहिए। 6 महीने तक स्तनपान पे ही रहता है बच्चा, 6 महीने के बाद उसे जो अन्नप्राशन हम लोग करते हैं हिंदू कल्चर में, उस समय से फिर बच्चे को थोड़ा सा सॉलिड फूड और ये सब दिया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखें
कि जब माँ स्तनपान करवा रही है वो किसी भी प्रकार के फास्ट फूड या ऐसे जंक फूड जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन ना करे। एक और कॉलर हमारे साथ है जॉय गढ़वाल, दर्शक हैं, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गढ़वाल जी, सवाल कीजिए। जी अच्छा, चार महीने का इनका छोटा भाई है जिसका जो मुंह है उसमें स्लाइवा नहीं आता, पूरा सूखा रहता है। जी ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसी स्थिति में उसका कोई एक डेवलप एक विकार हो सकता है, मुख का विकार, जिसमें हम ये बताते हैं कि जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, जो थूक पैदा करने वाली ग्रंथियां होती हैं, उसमें किसी प्रकार का विकार हो सकता है जिसकी वजह से उसका मुंह सूखा रहता है। इसके अलावा मैं ये भी जानना चाहूंगी कि क्या उस बच्चे को हमेशा फीवर रहता है या अभी अभी उसको फीवर या छाले की शिकायत हो रही है मुंह में। गढ़वाल जी अगर आप फोन लाइन पर जुड़े हैं तो आप बता दीजिए ये चीज। फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। कोई बात नहीं, तो अगर फीवर है या छाले आ रहे हैं उसके मुंह में तो हो सकता है ये किसी प्रकार के इन्फेक्शन की वजह से टाइम बीइंग उसका मुंह सूखा रह रहा है। लेकिन अगर कोई इन्फेक्शन नहीं है, फीवर नहीं है और काफी लंबे समय से अगर उसका मुंह सूखा रह रहा है तो आपने तुरंत अपने डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि ये ठीक बात नहीं है। उसे आगे चल के भी काफी ज्यादा बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। मुंह में सलाइवा भरपूर क्वांटिटी में होना ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शुभांगी, आप हमारे कार्यक्रम में आई और इतने बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आपने हमारे दर्शकों को जानकारी दी। एक बार फिर से आपका बहुत शुक्रिया। तो स्वरा सेहत में आज के लिए इतना है। आपके लिए हेल्थ से जुड़ी और भी जानकारियां लेकर हम एक बार फिर से लौटेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाजत।